Yes, it's Sangeeta and I am BMLD pass as you know. So, अभी तक मैंने आपको AU480 and XS2 का इंट्रोडक्शन दे दिया है, हार्डवेयर पार्ट समझा दिया है. नेक्स्ट वन इज मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी बताया था. नेक्स्ट स्टेप XS2 का स्टेप मैं आपको एक बताने जा रही हूँ, जो जिसे हम बोलते हैं डेली क्लीन, कि इसका डेली मेंटेनेंस, डेली क्लीन कैसे करना है, डेली मॉर्निंग मेंटेनेंस मैं कैसे करती हूँ मशीन का, जिस वजह से मेरा जो हार्डवेयर पार्ट है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में रहता है, उसमें कोई इश्यूज नहीं आते जल्दी से. तो उसे हम बोलते हैं डेली मेंटेनेंस. ओके, तो उसमें हमारा कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें मशीन ही गाइड करती है, मशीन ही बताती है आपको क्या क्या करना है. तो मैं आपको अभी वो चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ. उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ. आप सब बोलते हैं हमारे वीडियो सब्सक्राइब करो, लाइक करो. मैं आपको सिर्फ ये बोलती हूँ, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसीलिए क्योंकि हमारा फील्ड ही ऐसा है कि सबको नॉलेज होनी चाहिए. मेरे पास नॉलेज है तो मैं आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ. एज अ लैब टेक्नीशियन आई डोंट थिंक कि कोई अपनी नॉलेज शेयर करता है, ठीक है. मैं नॉलेज इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इनका ट्रेनिंग मैंने लिया है, बैकमैन कॉल्टर का ट्रेनिंग लिया है दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का, तो मेरे पास नॉलेज है, मैं आपको शेयर कर रही हूँ. अब सबको ट्रेनिंग नहीं मिलता है ना, सब नहीं कर सकते, तो आप प्लीज़ इसे शेयर करिए जो सब तक नॉलेज जाए. अगर कल को तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, तुम कह सकते हो हाँ जी हमें बैकमैन कॉल्टर के बारे में पता है. ये जो स्क्रीन है इट इज़ इट्स मेंटेनेंस रिव्यू, मींस अभी हमारी मशीन टेम्परेचर पे नहीं आई है, तो हम इसमें कोई भी टेस्ट, कोई भी स्टेप रन नहीं कर सकते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे टेम्परेचर पे आना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक टेम्परेचर पे आएगी. अभी इसका रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर 9 है, ये 1 to 5 के बीच में आना चाहिए इसका रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर. रेफ्रिजरेटर मीन्स रिएजेंट कॉरसल टेम्परेचर, दिस वन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अभी बताऊंगी इसका डेली मेंटेनेंस. सैंपल मैनेजर, हमें यहाँ पर इस वाली पोजीशन पे रैक लोड करना है, जोन सा हम जिसमें हम अपना डेली मेंटेनेंस करते हैं. मेरे रैक का नंबर है 400. ओके, देन वी हैव टू रिक्वेस्ट, तो हमें रिक्वेस्ट करना है मेंटेनेंस रिक्वेस्ट, जिसमें मुझे डेली क्लीन सिस्टम रिक्वेस्ट करना है एंड ओके. तो ये बता रहा है कि हमें कौन कौन सा स्टेप लेना है. क्लीन सिस्टम, कॉन्ट्रार्ड सिट्रोनॉक्स इसके केमिकल्स हैं जो ये डेली क्लीन में यूज़ करता है. सो इन फर्स्ट कप आई पोर 2 ml कॉन्ट्रार्ड, दिस इज़ द कॉन्ट्रार्ड सॉल्यूशन. एंड आप देख सकते हो इसने फर्स्ट कप में कॉन्ट्रार्ड 72 ml ही बोला है. एंड सेकेंड इज सिट्रानॉक्स डाइल्यूशन. सिट्रानॉक्स डाइल्यूशन बनाएंगे हम 1:5 ratio. 1:5 मीन्स 1600 DI water एंड 400 सिट्रानॉक्स सॉल्यूशन. सो आई पोर इन सेकेंड कप 1600 DI water, 1600 microliter एंड 400 सिट्रानॉक्स. So it is 1:5 dilution we prepared. And in third we can see wash buffer or DI water. So we have wash buffer and I put the wash buffer 2 ml in the third cup. This is wash buffer. कंपनी से हमें सिट्रानॉक्स इस पैक साइज में मिलता है एंड दिस इज़ द कॉन्ट्रार्ड. और आप देख सकते हैं मैंने अपना रैक प्रिपेयर कर लिया है, तो अभी हमें इसे लोड करना है. तो लोड कैसे करेंगे, साइड में यहाँ पे नीचे लिखा है लोड रैक 400, मेरा रैक का नंबर है 400, तो मुझे ये लोड करना है, लोड रैक 400. देन आई एम लोडिंग द रैक. जो हमारे पास फर्स्ट पोजिशन आएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं करना, जो फर्स्ट पोजिशन आएगा उसी में रैक लोड करना है. एंड नाउ डन.
इन सैम्पल मैनेजर, यहाँ पे टाइमिंग आ जाएगा कब तक ये कंप्लीट करेगा अपना एस्पिरेशन एंड कब तक ये डन करेगा एंड रन. सो वी कैन सी एस्पिरेशन विल कंप्लीटेड ऑन 9:43 एंड कंप्लीशन टाइम इज 9:43. ये एस्पिरेट और कंप्लीशन एक साथ करेगा 9:43 पर. सो गाइज, अभी मेरा जो ये रैक है 400 जो मैंने इसमें लोड किया था वो डन हो चुका है. तो अब हम इसे बाहर कैसे निकालेंगे? सेलेक्ट दिस रैक एंड गेट सेलेक्टेड रैक. मीन्स अभी मशीन ने अलाउ कर दिया है हमें रैक बाहर निकालने के लिए. मैंने रैक बाहर निकाल लिया है एंड डन. अभी ये स्कैन करेगा इसके अंदर रैक है या नहीं है. So, do you want to clear rack? Yes.